हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित राउत और आज हम बात करने वाले हैं आपको लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। AMD बेस्ड आपको लैपटॉप लेना चाहिए या आपको इंटेल की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो इंटेल और AMD अपने अपने लेवल पे ठीक है, बट इंटेल आपके हाई रेट लैपटॉप के अंदर मिलता है और AMD आपके लो बजट लैपटॉप के अंदर। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इंटेल आपको ज़्यादा प्रोसेस पावर देता है और AMD आपको लो प्रोसेसिंग पावर देता है। दोस्तों, हम बात करें इंटेल की जनरेशन की, तो दोस्तों इंटेल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है सेलेरॉन i3, i5, i8, i7, i9 तक आ गया दोस्तों। वहीं बात करें AMD, तो AMD में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा राइजन 3, राइजन 5। दोस्तों यही प्रोसेसर ऐसी आपको देखने के। दोस्तों, अगर आप भी कोई बजट रेंज लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपके लिए AMD बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों AMD के अंदर आपको इंटेल के कंपेयर बढ़िया प्रोसेसिंग पावर मिलती है। क्योंकि दोस्तों सेम प्राइस में अगर आप इंटेल का लैपटॉप लेने जाओ और AMD का भी लेने जाओ तो दोस्तों आपको AMD के अंदर आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर मिलती है और AMD इंटेल के अंदर आपको वहीं कम मिलती है। इंटेल के लैपटॉप को और AMD के लैपटॉप को कंपेयर करें सेम प्राइस स्ट्रक्चर में, दोस्तों आपका क्लियर विनर AMD है। दोस्तों AMD आपको सेम प्राइस लेवल में हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोस्तों AMD आपका बजट चिप है। इंटेल की तो इंटेल आपको हाई रेट लैपटॉप में ही बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आपको 30,000 के अंदर आपका 20,000 के अंदर आप इंटेल की तरफ जाओगे दोस्तों मत जाना, तो आप AMD की तरफ जाना, क्योंकि AMD आपको बेस्ट प्रोसेसिंग पावर देगा इंटेल के कंपेयर में उस प्राइस रेंज में। बात करते हैं आपको कौन से ब्रांड के पीछे जाना चाहिए दोस्तों, या HP या Apple या Lenovo, उस ब्रांड के पीछे जाना चाहिए जो आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देता है अंडर द बेस्ट बजट रेट में। आपको डिजाइन चाहिए तो दोस्तों आप HP की तरफ जा सकते हो, क्योंकि HP में आपको बढ़िया डिजाइन मिलता है और परफॉर्मेंस के वाइज भी मतलब ठीक ही मिल जाता है आपको। अंदर 30,000 के अंदर आपको बढ़िया मिल जाता है। अगर आप 40,000 या 50,000 के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा i5 का प्रोसेसर विद ग्राफिक कार्ड। प्रोवाइड करता है प्रीमियम क्वालिटी लुक, आप इसके डिजाइन देख सकते हो, आपका इसका कलर देख सकते हो और स्क्रैचलेस आपका इस पे बैक बॉडी मिल जाती है। स्क्रैचलेस बॉडी के साथ आता है प्लास्टिक के साथ। तो दोस्तों आपको इसके अंदर i3 का मिल जाएगा प्रोसेसर जो आपका 700 APU है और 2.0 GHz का आपको इसमें क्लॉक स्पीड मिल जाएगी और इसका प्रोसेसर आपको इसमें PUBG खेल सकते हो, आप फ्री फायर वगैरह सारे गेम खेल सकते हो लगभग। तो हम बात करें आपको गेमिंग लैपटॉप की चाहिए तो आपको उसमें मिल जाएगा ASUS का, मिल जाएगा आपको Lenovo का, मिल जाएगा बजट रेंज के अंदर। अगर आप Ryzen 5 की तरफ जाओगे तो आपको 30,000 to 40,000 के अंदर आपको बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी दोस्तों, आप उसमें GTA 5 भी चला सकते हो ईजीली दोस्तों, सही में। आप भी कोडिंग के लिए कोई बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हो दोस्तों, ये बेस्ट लैपटॉप है, ये मैंने अपनी कोडिंग के लिए बाय किया दोस्तों। आप इसमें जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, स्विफ्ट, SQL दोस्तों ये सारी लैंग्वेज आप इसमें चला सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो इसकी वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ जल्दी। तो दोस्तों जिस टॉपिक में ज़्यादा कमेंट आएगा उसकी वीडियो सबसे पहले बनेगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे YouTube चैनल को, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।